दोस्तों, जब भी हिंदुस्तान के सबसे भयावह दुर्गों की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक ऐसा दुर्ग आता है जो सदियों से रहस्य का कारण बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह बात हो रही है भारत के सबसे हॉन्टेड फोर्ट भानगढ़ दुर्ग की। दोस्तों, जब भी भारत के सबसे हॉन्टेड पैलेस की बात कही जाती है तो जो टॉप लिस्ट में आता है वो यही भानगढ़ दुर्ग है। राजस्थान में मौजूद 500 साल पुराने इस दुर्ग का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि लोग दिन में भी यहाँ जाने से कतराते हैं, और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो रात्रि को चला भी जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है जिस पर स्पष्टतया लिखा गया है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। दुर्ग की वजह से स्वयं पुरातत्व सर्वेक्षण का यहाँ कोई ऑफिस भी मौजूद नहीं है। तो चलिए जानते हैं भानगढ़ किले के बारे में सब कुछ। दोस्तों, भानगढ़ किले का निर्माण सन 1583 ईस्वी में आमेर के तत्कालीन राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के आसपास बहुत बड़े लोगों की आबादी भी बसा करती थी। भूत प्रेतों जैसी यहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन अचानक यहाँ एक ऐसी अनहोनी हुई कि इस किले की खुशियों हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और यह जगह एक भूतिया किले में परिवर्तित हो जाती थी। लोगों के मन में इस जगह के प्रति ऐसा खौफ मन में बैठ गया कि लोग धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगे। आज भले ही यह किला कई रहस्यमय शक्तियों से भरा हो, लेकिन राजस्थान के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय लोगों के पास भानगढ़ किले से जुड़ी कई कहानियाँ मौजूद हैं जो इसके इतने भयावह होने की दास्तान आज भी अदा करते हैं। इसमें से सबसे सटीक और सबसे प्रसिद्ध कहानी महाराज माधो सिंह की है, जिन्होंने गुरु बालूनाथ के अनुमोदन के पश्चात शहर का निर्माण करवाया था। गुरु बालूनाथ एक महान तपस्वी थे जो वहां तपस्या करते थे, और उस तपस्वी ने इस शर्त पर यह अनुमोदन दिया था कि बादशाह के महल की परछाई कभी भी उसके तपस्थली पर नहीं पड़ेगी, और यदि ऐसा हुआ तो यह किला और शहर खंडहर में तब्दील हो जाएगा। कहा जाता है कि जब किले का निर्माण पूर्ण हुआ तो दुर्भाग्य से उसकी परछाई बाबा के तपस्थली पर पड़ जाती है। फिर क्या था, बाबा का क्रोध इस खूबसूरत और खुशहाल शहर को ले डूबा। इसके बाद भानगढ़ किला एक शापित और खंडहर बनकर रह गया। दोस्तों, यदि स्थानीय लोगों की बात को माने तो भानगढ़ किले के विनाश की दो कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। पहली तो यह कि गुरु बालूनाथ के क्रोधवश शाप देना और उसका खंडहर हो जाना, और दूसरी कहानी जो वहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध है वो यह है कि एक जादूगर एनके सिनाई, जो काला जादू करने में माहिर था, वो एक दिन भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के प्रेम में पड़ जाता है। वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि आसपास के बड़े बड़े राजा उनसे शादी करने को लालायित थे। कहा जाता है कि एक बार राजकुमारी कुछ खरीदने के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती हैं और वहाँ से वो एक इत्र भी खरीदती हैं। राजकुमारी को इत्र खरीदते हुए वो काला जादूगर देख लेता है और कहते हैं कि वह अपनी जादुई शक्ति से उस इत्र में प्रेम उत्पन्न करने वाला द्रव्य मिला देता है ताकि राजकुमारी उसके प्रेम में पड़ जाए और वो उस राजकुमारी से शादी भी कर ले। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमारी ने जादूगर को ऐसे काले कारनामे करते हुए देख लिया था, इसलिए राजकुमारी ने उस इत्र को एक गड्ढे में डाल देती है। परिणाम ये हुआ कि जादूगर की बदले की आग में ही मौत हो जाती है। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि जल्द ही भानगढ़ का किला और शहर ध्वस्त हो जाएंगे और कोई भी किले के आसपास नहीं रह पाएगा। कहा जाता है कि जादूगर के श्राप के पश्चात मुगलों ने इस किले पर आक्रमण कर दिया और उसे ध्वस्त कर दिया। उस समय तकरीबन 1000 लोग किले में रह रहे थे। राजकुमारी सहित सभी लोग किले में ही मारे गए। कहा जाता है कि यह किला आज भी उस जादूगर के श्राप से प्रभावित है। आज भी यह राजकुमारी और उस जादूगर की आत्मा अक्सर भटकती रहती है। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह किला पहाड़ियों के ढलानी इलाके में बसा हुआ है। यह किला दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर है। पूरी तरह से तबाह हो चुके इस किले के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते समय आपको कई छोटे छोटे मंदिर और महल दिखाई देंगे।